राज्यपाल व कुलाधिपति कलराज मिश्र ने कहा कि पुस्तकें बौद्धिक स्तर पर विद्यार्थियों को संपन्न ही नहीं करती बल्कि निरंतर नए ज्ञान प्राप्ति के लिए भी प्रेरित करती हैं। उन्होंने कहा कि पुस्तकीय अध्ययन से हमारी विचार प्रक्रिया को गति मिलती है। मिश्र शुक्रवार को राजभवन से कोटा विश्वविद्यालय में केंद्रीय पुस्तकालय एवं अकादमिक भवन, संविधान पार्क, कन्या छात्रावास, रसायन शास्त्र प्रयोगशाला के ऑनलाइन लोकार्पण के बाद आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने संविधान वाटिका को विद्यार्थियों के लिए बेहद जरूरी बताते हुए कहा कि संविधान के मूल अधिकारों की जानकारी तो बहुत से लोगों को है, परंतु मूल कर्तव्य क्या है इसकी जानकारी सामान्य तौर पर नहीं है। संविधान वाटिका की स्थापना से इस दिशा में जागरूकता आएगी। मिश्र ने हड़ौती क्षेत्र में कोटा विश्वविद्यालय को प्रमुख अध्ययन केंद्र बताते हुए कहा कि अपने स्थापना वर्ष से ही अपने सीमित संसाधनों एवं निष्ठावान सदस्यों के सहयोग से यह निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर है। विश्वविद्यालय को NIRF में 78वीं रैंक तथा NAC द्वारा बी ग्रेड प्राप्त करने की भी सराहना की। इस मौके पर नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा क्षेत्र में शिक्षा के प्रसार में उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानकारी दी।